नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पहले दिन 14 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त 10,000 रुपए के इनामी राज यादव को बढ़लगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश में चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने शुभारंभ कर सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सभी का जीवन है महत्वपूर्ण, अपने जीवन को न डालें खतरे में, करें यातायात नियमों का पालन। अप्रैल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले जल क्रीड़ा नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। 500 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, खिलाड़ियों के रुकने खाने पीने की रहेगी पूरी व्यवस्था। ठंड को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने भी कसी कमर, यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में रुकने की व्यवस्था। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी यात्री वेटिंग हॉल का करें उपयोग। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में मानचित समाधान दिवस का किया गया आयोजन। सालों से फंसे मानचित की सुनवाई, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन स्थल के सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल पुलिस व पीएसी की लगाई गई है ड्यूटी। नामांकन करने या पर्चा लेने आने वाले प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा जा रहा है अंदर। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, पूरे जिले के हजारों की संख्या में खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। 12 जनवरी को विजेता खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। गोलघर मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों के पार्किंग के लिए लगातार ITMS के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक, फिर भी लोग अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं सड़कों पर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अभियान चलाकर 192 वाहनों को MB एक्ट के तहत किया गया चालान और 54 वाहनों को किया गया सीज, आगे भी चलता रहेगा अभियान। और महानगर में जरूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा 14 रैन बसेरों की गई व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने कहा, यदि कोई समस्या है तो नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1533 पर कर सकते हैं कॉल, तत्काल उनकी समस्या का होगा समाधान। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पहले दिन 14 उम्मीदवारों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर पर्चा लिया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जिसमें 14 प्रत्याशियों ने पर्चा लिया है, जो कि 12 जनवरी के बीच पर्चे को भरकर कभी भी नामांकन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार 11 बजे से 3 बजे तक आयुक्त न्यायालय में आकर नामांकन कर सकता है। 13 जनवरी को पर्चों की जाँच होगी, 16 जनवरी तक नामांकन पर्चों की वापसी होगी और 30 जनवरी को 17 जनपदों के 321 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और 2 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रत्याशी गोविंद उपाध्याय एवं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, उस गेट से ही आएंगे सर। जो यहाँ पे लगा दिया गया है बहुत पर्याप्त लगा है। देखिए हमने अपना स्थान नियत कर लिया है। नाजिर साहब, हाँ जी, इसीलिए उतारे। अच्छा,
गोरखपुर वापसी हो अच्छा हम लोग आपसे हेलो बाहर का देखा बनाना पड़ेगा सब वैसे कलेक्ट्रेट में तमाम वकील साहबान ये भरने का काम करते हैं, तो आप उनके पास चले जाएँ तो करवा देंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर सर इसमें तो डॉक्यूमेंट में क्या रखा हाँ हाँ लीजिए लीजिए अरे तो मिल जाएगा सब अधिवक्ता लोग हैं हम लोग का कार्डवा देख लीजिए कहाँ से वहाँ एक दफ्तर से इलेक्शन दफ्तर से नहीं तो ऐसा है देखिए भाई क्या सब अपने अपने सर पैसा लेकर के लिए हाँ तो वो तो ओनली मिल जाएगी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक योर आइटम था हर दूसरी चीज कल परसों दो दिन गोविंद उपाध्याय मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है कि अधिवक्ता निर्वाचन क्षेत्र लागू होना चाहिए क्योंकि शिक्षक वर्ग के अलग से मलसी जाते हैं, कला संगीत से भी मलसी भेजे जाते हैं लेकिन हमारे अधिवक्ता समाज से अभी तक कोई मलसी नहीं भेजा जाता है। तो यही मेरा प्रमुख मुद्दा है और जब तक मैं बात को जान रहा हूँ कि जब तक हम लोग सिस्टम में आएंगे तब तक ये बदलाव होगा नहीं। इसी बदलाव को इसी चीज़ को लेकर इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और यहाँ माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में और कार्यालय में और परिसर में मजिस्ट्रेट के रूप में हम लोग तैनात हैं जो गोरखपुर के मजिस्ट्रेट लोग हैं। आज 5 जनवरी है और आज प्रातः 11 बजे से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन 2023 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ये 12 तक होगी। कोई भी व्यक्ति आज से अपना पर्चा ले सकेगा जिसको नामांकन प्रपत्र या बोलचाल की भाषा में पर्चा कहते हैं और उसको पूरी तरह से भर करके
और यहाँ वो जमा कर सकता है प्रत्येक दिन 11 बजे से 3 बजे के बीच। तो ये 5 से 12 तक नामांकन की प्रक्रिया है। 13 तारीख को इसकी स्क्रूटनी होगी, 16 तक नाम वापसी हो सकती है उसके बाद, और 30 तारीख को, 30 जनवरी को पूरे 17 जनपदों के 321 मतदान केंद्रों पर, मध्य बूथों पर ये मतदान होगा। दो फरवरी को होगी। बहरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त राज यादव को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उरवा बाजार थाने पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बहरगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राज यादव पुत्र अयोध्या यादव निवासी रायपुर थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बहरगंज थाने के उपनिरीक्षक रवि सिंह यादव, अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल सिंह यादव, मनोज चौरसिया, कांस्टेबल सत्येंद्र भास्कर, अनिल यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना उरुआ बाजार पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग का एक वांछित अभियुक्त राज यादव, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, उसकी गिरफ्तारी इस अभियोग के विवेचक प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज की टीम द्वारा की गई है। अभियुक्त का बयान अंकित कर उसे तत्काल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेजा जाएगा। ये एक डकैतों का गिरोह है, जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही की जा रही है। इन अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्ति की भी जानकारी करके 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इस संपत्ति को कुर्क कराने की भी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार व जागरूक करने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, जिसके तहत आरटीओ अनिता सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को गीडा स्थित सेक्टर नंबर 22 में संभागीय परिवहन कार्यालय पर मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया तथा सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहां पर उपस्थित सभी जनमानस को यातायात का शपथ कराया गया, जिसके संबंध में सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पूरे एक महीना मनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर लोग सुरक्षित चलें, सभी को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षित रहें तथा सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे, देश की जनता सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आरटीओ अनिता सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों को जागरूक करना ही लक्ष्य है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि कोहरे को देखते हुए सड़क पर सावधानीपूर्वक अपने वाहन को चलाएं, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और ओवर स्पीड में वाहन बिल्कुल ना चलाएं और जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं सबका पालन करें। सभी का जीवन महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन को खतरे में ना डालें और यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर पिपरौली के ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव, एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह, टीएसआई मनोज कुमार राय, एआरटीओ संजय कुमार झा, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्य कुमुद त्रिपाठी सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, आरटीओ अनिता सिंह एवं एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, निकल कर अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। हमारी सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षा के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदीप शुक्ल जी विधायक सहजनवा, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री नरेंद्र शुक्ल जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कृपया हमारे मुख्य अतिथि और माँ सरस्वती के चित्र पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण, माननीय विधायक जी दीप प्रज्वलन कर हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए, एक एक व्यक्ति जब हमारा राष्ट्र प्रगति, राष्ट्र की प्रगति, जोरदार तालियां आप सबकी। पांचजनी हमारी भारतीय परंपरा, सब सब
इसी क्रम में सुरक्षा से जितने भी नियम हैं उसको जन जनता तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। उस निर्देशों में ये उन्होंने अवगत कराया है कि सड़क सुरक्षा जो है हमारी, वैसे भी सर सड़क सुरक्षा हमारे 5E पे काम करता है। ये 5E वो बिंदु हैं जिसके सारे विभाग उससे जुड़े हुए हैं। पहला ई है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ये है कि जब सड़क सुरक्षा के जितने नियम कानून हैं हमारे, उनके बिंदु हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जनता तक, बच्चों तक और हम अपने विभागों के माध्यम से पहुंचाते हैं। इसमें मेन रोल हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट प्ले करता है और इसमें सब बच्चों की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। एजुकेशन में हम लोग जगह जगह पे जाके स्कूलों में, महाविद्यालयों में टीचर्स हमारे उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हैं। दूसरा ई है एनफोर्समेंट, जिसमें ट्रैफिक विभाग, पुलिस विभाग और हमारा परिवहन विभाग शामिल होता है। और इसका ये मतलब है कि जो सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करके सड़कों पे वाहन चलाते हैं उनके लिए इन्फोर्समेंट रखा गया है ताकि अगर आप नहीं करते हैं तो उस पर चालान और बंद की कार्यवाही करके हम उसका इन्फोर्समेंट से करके आपके सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करवाएं। मंडल अध्यक्ष भाजपा जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन है, सर का भी मैं नमन करती हूँ। SP ट्रैफिक सर, जिनके दिशा प्रदेश में रोडों का चौतरफा विकास हो रहा है, चाहे जहां हम बैठे हैं, यहां से नेपाल को जोड़ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ना, चारों तरफ फोरलेन का निर्माण करना, आज यह कहने में गुरेज नहीं है कि आज़ादी के बाद से जितना गोरखपुर में इस 5 साल में विकास हुआ है, अगर दोनों को दो पल्ले पे रखा जाए तो यह 5 साल का विकास ज़्यादा है। आज जब हम शहरों में जाते हैं, जब लाइट ट्रैफिक जलती है, तो यह महसूस होता है कि हम लखनऊ या दिल्ली में हैं। वो आज महसूस हो रहा है, जब पूज्य महाराज जी की सरकार आई है तो आज यह महसूस हो रहा है। लोग नियम से चलें, सुरक्षित चलें, जैसे अभियंता मैडम ने बताया है और बाकी SP ट्रैफिक मनोज जी ने बताया है, उसको सीख कर, क्योंकि आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो देश और दुनिया और समाज के काम करने के लिए, तो बच के निकलिए, क्योंकि अपने आप अपने परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप ही दुनिया हैं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें, नियम से चलें। आज हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण जो रोडों पे लोगों को देखते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, कि आज जाम ना लगे। आज शहरों में हमें याद है, पहले वही मोहद्दीपुर आते हुए पेडलेगंज घंटों घंटों लोग जाम में फंसते थे, आज बस ट्रैफिक खुलती है 5 मिनट में लोग निकल जाते हैं। सभी लोग नियम से चले और आज हमारी सरकार विकास के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश के एक एक जनता, एक एक परिवार, एक एक लोगों सुरक्षित रहें, यह भी निर्णय लेकर कि लोगों को बुलाकर, लोगों को समझाकर BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे वो पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगन का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। मैं अपना योगदान दे इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अकाल मृत्यु को कम किया जा सके, ईंटों की संभावना को 70% तक घटा सकता है। यात्रा के दौरान चार पहिया वाहन चार
एवं सवार सीट बेल्ट अवश्य पहने, क्योंकि सीट बेल्ट का प्रयोग टक्कर के प्रभाव को 60% तक घटा सकता है। कृपया हमेशा करके फोन बाहर न चलाएं। बाहर चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इससे ध्यान भंग होता है और दुर्घटना की संभावना रहती है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा एक महीने का माह मनाया जा रहा है, जिसमें लोग सुरक्षित चलें, लोगों को बताया जा रहा है हेलमेट लगा के चलें, सुरक्षित लेन में चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके लिए एक एक जनता महत्वपूर्ण है। वो अपने गंतव्य से अपना कार्य कर कर फिर अपने परिवार में सुरक्षित पहुँचे, उसके लिए पूरी सरकार, पूरे विभाग के लोग कैंप लगा के लोगों को समझाया जा रहा है, सभी विद्यालय में बच्चों को बताया जा रहा है। इस पर पूरी सरकार और पूरे विभाग के लोग तत्पर हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित अपने घर पहुँचे, और उत्तर प्रदेश की, देश की एक एक जनता जो है वो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। आज परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जो 5 जनवरी से आरंभ होकर 5 फरवरी तक चलेगा, 4 फरवरी तक चलेगा ये। आज इसका उद्घाटन माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी ने किया। आज इस उद्घाटन समारोह में SP ट्रैफिक श्री कुमार त्रिपाठी, ARTOs, विभिन्न विभागों के स्टेक होल्डर्स, विभागों के अधिकारीगण सब उपस्थित रहे। आज हम लोगों का उद्देश्य ये था कि जनता तक ये संदेश पहुंचाना कि सिर्फ सड़क सुरक्षा माह का जो आयोजन हो रहा है ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है, अब हम आप तक पहुंच के इसके नियम कानूनों को आप तक पहुंचाएंगे, जन जागरूकता करेंगे। अफसोस इस चीज़ का है कि अभी चूंकि इतनी ठंड को देखते हुए सभी विद्यालय और स्कूल सब बंद हैं, इसलिए हम स्कूली बच्चों तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम बच्चों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के जागरूकता का कार्यक्रम भी करेंगे और विभिन्न विभागों की मदद से भी सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम ये आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम लोग? मैं गोरखपुर की जनता वासियों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी, आज कोहरे को देखते हुए सड़क पर बहुत सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं, अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में रखें। आप जब भी बाहर निकलिए, दो पहिया वाहन चलाइए, चलाते समय आप हेलमेट पहनिए, कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करिए, ठंड है इसलिए ड्रंकन ड्राइविंग का भी बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि बाहर दुर्घटना आपका इंतज़ार कर रही है। इसी तरह से जितने भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं आप उसका पालन करेंगे, रेड लाइट जंपिंग का प्रयास ना करें, ओवर एक दूसरे को क्रॉस करने की अपेक्षा ना करें, ये छोटी छोटी सावधानियां जो हैं, और थकान में कभी गाड़ी ना चलाएं, जब भी थकान होती है उसमें गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि जरा सी झपकी आपका दुर्घटना का सबब बन सकती है, और इन्हीं सब बिंदुओं पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सुरक्षित यात्रा आपका आरंभ है। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ लोगों की जीवन रक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद गोरखपुर में विधिवत RTO कार्यालय में माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें एक माह तक सड़क सुरक्षा के लिए चलाए जाने वाले तिथिवार कार्यक्रम के बारे में विधिवत सभी स्टेक होल्डर्स को जानकारी दी गई और आपस में समन्वय के लिए और बढ़ाया गया। इस पूरे एक माह में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो हर घर घर तक पहुंच जाएं, घर घर तक सड़क सुरक्षा अभियान को पहुंचाने की प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो मानव जीवन अमूल्य है उसकी शुरुआत प्रत्येक घर से हो, सब लोग नियमों को जानें और उसको आत्मसात करें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरीके से जब सब नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों के लिए मानने लगेंगे तो निश्चित रूप से सड़क
दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी, ऐसा हम लोग समन्वय से एक समेकित प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज ये यातायात माह का शुभारंभ किया गया। सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील है कि गोरखपुर की जनता ने हमारा साथ दिया है, नियमों को माना है, उसी की वजह से यहाँ पे यातायात में परिवर्तन आया है। हम लोग इसको और बेहतर करने के लिए, जीवन रक्षा के लिए सभी से निवेदन है कि स्वयं भी सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने बच्चों के लिए भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। समाज के सभी लोग इसमें भागीदार बनेंगे तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित गोरखपुर शहर का निर्माण कर पाएंगे। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में अप्रैल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले जल क्रीड़ा नेशनल गेम्स की तैयारियों के संबंधित अधिकारियों की बैठक सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा और रामगढ़ ताल में रोइंग का इवेंट होगा, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, जो कि पहली बार रामगढ़ ताल में होने जा रहा है, जिसमें 384 खिलाड़ी और 139 ऑफिसर आएंगे। अभी तारीख क्लियर नहीं हुई है जिसकी तैयारी की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा इसमें 500 खिलाड़ी भाग लेंगे, सभी खिलाड़ियों के रहने खाने और पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। इस अवसर पर सीरियो संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर नेहा बंधु सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा इतने बड़े होटल्स हैं वो सब दे अर्न देयर मनी इन दैट पीरियड ओनली, ठीक है, वो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। डेट क्या होगी सर? पता कि आप वीसी जीडीए और सीईओ गीडा एंड सीडीओ साहब को भी इसे ठीक है जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं ठीक है करा दे ठीक है। वहाँ छोटा मोटा जो भी व्यवस्था रामगढ़ ताल के आसपास में जरूरत पड़ेगा व्यवस्था करवा दी। लखनऊ में तो सर ने निर्देश दिया था कि वहाँ पर ओपनिंग के समय पर और इसमें क्लोजिंग पर स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया जाए, स्कूलों को आमंत्रित किया जाए ताकि वहाँ भीड़ भाड़ रहे। नहीं वो तो हो जाएगा, वो तो सर लोग कर देंगे। सर स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी जैसे स्टार्टिंग किस तरीके से बनेगा ये थोड़ा आप देख लो ठीक है, आप लोग किस तरीके से देंगे वहाँ पे। तो आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसे जगह है जहाँ से वो जहाँ शुरुआत होता है जहाँ पे दो डिवाइडर प्लान जी प्लान करना पड़ेगा उसमें एक इंटरेस्ट जगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर ये और जो समितियां बननी है आवास समिति, यातायात समिति, चिकित्सा टेक्निकल समिति, टेक्निकल समिति में मैं चाहूंगा कि कमिटीज बनाना है वो सब बना करके एक अप्रोक्सीमेटली उस पीरियड में प्लान करो 800-900 कमरे के लिए, फिर आपको 500 कमरे मिल पाएगा। राइट ठीक है। तो सभी सवाल एक तो गर्मी के समय और दूसरा पहले से ही बुकिंग रहता है, बहुत होटल्स देना भी नहीं चाहते बाई चांस उस पीरियड में कोई, क्योंकि एक दिन का है तो कोई भी दे देगा, छः दिन के लिए है बाई चांस उस पीरियड में शादी का है तो दे अर्न देयर। आज की जो बैठक है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यहाँ गोरखपुर में किया जा रहा है, रामगढ़ ताल में रोइंग का इवेंट होगा और एक बहुत बड़ा इवेंट है, फर्स्ट टाइम यहाँ होने जा रहा है रामगढ़ ताल में। इसमें लगभग 384 खिलाड़ी और 139 ऑफिशियल्स इसमें यहाँ आएंगे और अप्रैल के थर्ड और फोर्थ वीक में इसके टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी डेट फाइनल नहीं है, उसकी समीक्षा की तैयारी के लिए आज कमिश्नर सर ने इस बैठक का यहाँ ली है सभी अधिकारियों और स्विमिंग के एक्सपर्ट्स के साथ में, स्विमिंग संघ के पदाधिकारी भी, रोइंग के एनडीआरएफ सब के साथ में बैठक की गई ताकि तैयारियों की समीक्षा की जा सके और इस तरह से बैठ से अब जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा तो बैठकों का आयोजन होगा ताकि एक अच्छा आयोजन यहाँ गोरखपुर के अंदर किया जा सके। कब तक ये अप्रैल के थर्ड या फोर्थ वीक में इसका आयोजन प्रपोज है।
ठंड को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल की व्यवस्था है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से देखें तो स्लीपर क्लास के लिए अलग, DC क्लास के लिए अलग और जनरल क्लास के लिए जो पैसेंजर हैं उनके लिए बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ जहां सेकंड एंट्री से लोग आते हैं उनके लिए ऊपर में हैंगिंग वेटिंग हॉल बने हुए हैं। जो यात्री आते हैं उनके लिए एरिया बिल्कुल क्लोज रखा गया है, जिससे वहाँ हवा ना पास हो, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वो सही से ट्रेन का इंतज़ार कर पाएँ। आगे उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों से मेरी अपील है कि वेटिंग हॉल का उपयोग करें, जो कि उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर ठंड ना लगे और उनका ठंड से बचाव हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पुल चलना है ना, पुलिस फायर नंबर 7 पे आ रही है। मेरा नाम ध्रुव नारायण पाठकपुर ग्राम पाठक है। बाकी 4 दिनों से ठंड काफी बढ़ गई, किसी का समस्या है? ठंड बढ़ गई समस्या है तो सबके लिए जो है यहाँ पर है, जैसे सभी लोग एक समान, जैसे मतलब आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ स्टेशन पे जो है बहुत सारे गरीब लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है और यहाँ पर स्टेशन पर जो उनको ट्रेन पकड़ना रहता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बाहर ऐसे परिवार के लोग भी हैं कि जिनके पास खाने का भी जो है स्रोत नहीं है और उनके पास जो अपनी आर्थिक स्थिति चलाने का भी स्रोत नहीं है, मकान भी नहीं है, वह ठंडक में पेड़ के नीचे बैठ कर जो है अपने जीवन को काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बच्चा यहाँ पर एक्सपायर भी कर गया था। तो मैं यहाँ से नगर प्रशासन से या नगर आयुक्त से या तो फिर जो है नगर निगम से चाहता हूँ कि कम से कम गेट जो हमारा है 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, कम से कम यहाँ अलाव का लकड़ी का व्यवस्था तो कर सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कम से कम उनको तापने की दिक्कत ना हो। पहली समस्या यह है कि यहाँ पर तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। जो दूसरा चीज़ है, अगर गवर्नमेंट के पास या नगर निगम के पास कुछ कंबल है तो कंबल यहाँ पर वितरित कर दें लोगों के पास, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास कंबल आ जाए। जो है ये मूल समस्याएं हैं, इसको अगर तत्काल प्रभाव आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात ऊपर तक जा रही है और जो लोग सुन रहे हैं तो तत्काल इस हमारी मांगों को पूरा करें और अलाव और कंबल यहाँ पर व्यवस्था भी करें। सतीश चंद्र झा, भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष, गोरखपुर मंडल। लगातार 3-4 दिनों से ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे नगर निगम के द्वारा एकदम बिल्कुल लापरवाही की गई है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इस तरह से ऐसे गरीब हैं जो कड़ाके के ठंड से उनकी स्थिति एकदम डमाडोल होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कुछ ऐसे हैं जो भूले भटके हुए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गेट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जितने भी गेट हैं, हर गेट पे एक अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाना चाहिए। नगर आयुक्त जो यहाँ के बैठे हुए हैं गोरखपुर के, उनके द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कड़ाके के से लोग ठिठुर रहे हैं, परेशान है। कंबल की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कड़ाके के ठंड में जो आज स्थिति है, एकदम टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि यहाँ पे कैंप लगा के रेलवे स्टेशन पे लोग दूर से आते हैं, लोग दूर से जाते हैं।
पड़ोस में आपका नेपाल है, नेपाल से लोग आते हैं, मान लीजिए सुबह उनको ट्रेन पकड़ना, रात भर गुजर करना है तो किस तरह से गुजर करेंगे? अलाव की व्यवस्था होती तो उसके आड़ में रहते, आराम से वहाँ पे गर्मी उनको महसूस होती। एक यहाँ पे टेंट लगा होता है, यहाँ पे कंबल की व्यवस्था होती तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होता। और ये जितने भी सार्वजनिक जगह है, प्लेस है, उन सब जगहों पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई नगर आयुक्त के द्वारा। ये हमारी मांग है, नगर आयुक्त इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मीटिंग हॉल की व्यवस्था है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से देखें तो स्लीपर क्लास के लिए, एसी क्लास के लिए अलग अलग मीटिंग हॉल्स बने हुए हैं। और एक जो जनरल क्लास के पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़े साइज का हॉल बना हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 9 साइड में जहाँ से सेकेंड एनटीसी लोग आते हैं उनके लिए जो है ऊपर में हैंगिंग वेटिंग हॉल्स बने हुए हैं। जो रेल यात्री आते हैं उनके वेटिंग के लिए ये जो एरिया है ये रखा गया है, क्लोज्ड एरिया है पूरी तरह से, या टाइट है जहाँ पे हवा कहीं से ना पास हो, हवा ना आए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का भी अनकम्फर्ट ना फील हो और वो सही प्रकार से ट्रेन का वेट कर पाए। तो जो भी बोनाफाइड यात्री हैं उन सभी से अपील है कि ठंड में बाहर स्टेशन प्रेमिसेस में बैठने के बजाय वेटिंग हॉल का उपयोग करें। सर, बदलते मौसम को देखते हुए गाड़ियों को कैंसिल भी किया जाएगा? नहीं, गाड़ियों का कैंसिलेशन शुरुआत में किया गया था, जो हर बार विंटर के टाइम में हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं कि जो लो ऑक्यूपेंसी की गाड़ियां होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, जिससे कि लाइन क्षमता पे फर्क ना पड़े और जो रेगुलर हमारी ट्रेनें हैं वो हम प्रॉपरली चला सकें, या जिन रूट पे ट्रेनों की डिमांड है उन रूट पे ट्रेनें चला सकें। जो भी हमारी लॉन्ग रूट की स्पेशल ट्रेनें चल रही थी उनको भी हमने एक्सटेंड किया है, और जो रेगुलर ट्रेनें हमारी लॉन्ग रूट की हैं वो सभी चल रही हैं। और पंक्चुअलिटी भी पिछले विंटर्स की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई है। आज के समय में 80% के अराउंड पंक्चुअलिटी चल रही है, ट्रेनें उस प्रकार से लेट नहीं हो रही हैं जैसा पहले होती थी। कुछ कोहरे के टाइम में स्पीड जरूर घट जाती है क्योंकि कोहरे के मौसम में सिग्नल दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फॉग शेप डिवाइसेस लगाई हैं ट्रेनों में, उससे रिलायबिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से पंक्चुअलिटी पिछले समय की तुलना में देखा जाए तो बेहतर हुई है। इसके साथ ही लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पहले दिन 14 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन, 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त 10,000 रुपए के इनामी राज यादव को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश में चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने शुभारंभ कर सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सभी का जीवन है महत्वपूर्ण, अपने जीवन को न डालें खतरे में, करें यातायात नियमों का पालन। अप्रैल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले जल क्रीड़ा नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। 500 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, खिलाड़ियों के रुकने खाने पीने की रहेगी पूरी व्यवस्था। ठंड को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने भी कसी कमर, यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में रुकने की व्यवस्था। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी यात्री वेटिंग हॉल का करें उपयोग। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में मानचित समाधान दिवस का किया गया आयोजन। सालों से फंसे मानचित की सुनवाई, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन स्थल के सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल पुलिस व पीएसी की लगाई गई है ड्यूटी। नामांकन करने या पर्चा लेने आने वाले प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा जा रहा है अंदर। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, पूरे जिले के हजारों की संख्या में खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, 12 जनवरी को विजेता खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। गोलघर मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों के पार्किंग के लिए लगातार आईटीएमएस के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक।
फिर भी लोग अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं सड़कों पर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अभियान चलाकर 192 वाहनों को एमबी एक्ट के तहत किया गया चालान और 54 वाहनों को किया गया सीज। आगे भी चलता रहेगा अभियान। और महानगर में जरूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा 14 रैन बसेरों की गई व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने कहा, यदि कोई समस्या है तो नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1533 पर कर सकते हैं कॉल, तत्काल उनकी समस्या का होगा समाधान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने सालों से फंसे लोगों के मानचित्र की सुनवाई की, जिसमें पाया गया कि मानचित्रों में पेपर की कमी है, जिस पर जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने नागरिकों से को एप्लीकेशन के साथ पूरे पेपर को लगाकर ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, प्रयास है कि लोगों का मानचित्र आसानी से पास हो जाए, जिससे लोगों को कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। के दिन से बहुत परेशान है, एक साल हो जा रहा, धीमे धीमे हम काम हमारा हो नहीं रहा। कब्जा लेटर दिया है उन्होंने, कब्जा लेटर आपने लगाया है, सब कुछ दिया, फ्री होल्ड किया है, तो सब जब किए हम तो स्टेशन में कुछ उस टाइम करा के केस में ऐसे कर दिए सब हो रहा है, और इसमें जो है सब को जो है इसमें अपनी सरकार कलेक्टिव डिसीजन करा दो, ठीक है। एक काम कीजिए, आप दूसरी एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए स्वरपुर विकास प्राधिकरण के नाम पर लिखिए, आप पास आप लोग आ जाइए, अगर आपका प्लॉट कहाँ है, आपका जो प्लॉट है मान लीजिए ये आ रहा है किस पोर्शन में है, हाँ आप ठीक है, या फिर तीनों में आ रहा है इस टाइप से, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन स्थल की सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल पुलिस व पीएससी की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए 150 पुलिस कर्मियों की कमिश्नरी गेट से नामांकन स्थल तक की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा एक एडिशनल एसपी, सीओ, 3 थानों के प्रभारी, पीएससी सहित 150 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी प्रत्याशी नामांकन करने या पर्चा खरीदने के लिए आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद ही न्यायालय में जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। इस अवसर पर सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रामगढ़ ताल थाना प्रभारी सुधीर सिंह, उप निरीक्षक दिनेश साहनी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, सब 11 बजे। अच्छा, वो कराएंगे? नहीं, वो साइन करेंगे ना, उस पर नोटिफिकेशन 11 बजे जारी। नहीं, मैं तो अपनी सीट यहाँ पकड़ लिया, हमारा आज खरीदेंगे भी लोग प्रचार, सोचा था कि मैं नमूने का पकड़ लें प्रचार। आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सभी गेट हमारे हैं यहाँ पे प्रांगण में कमिश्नर ऑफिस के, उसमें सभी गेटों पे पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पीएससी पोस्ट लगी हुई है,
एक एडिशनल एक CO और उनके साथ में पर्याप्त थानों के प्रभारी हैं और कई सब इंस्पेक्टर्स और कॉन्स्टेबल्स की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। काफ़ी फोर्स है यहाँ पे और हम लोग सकुशल नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय कुश्ती कबड्डी बैडमिंटन जिम्नास्टिक बालक बालिका एवं फुटबॉल बालक वर्ग के प्रतियोगिता गुरुवार को सिविल लाइन स्थित रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान फुटबॉल मैच कराया गया, जिसमें रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर बनाम लिटिल फ्लावर स्कूल चरगावा के मध्य खेला गया, जिसमें दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई तथा मैच बराबरी पर रहा। इस प्रतियोगिता में पूरे जिले के हजारों की संख्या में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और सभी विजेता खिलाड़ियों को 12 जनवरी को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके संबंध में सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर महोत्सव खेल से जोड़ा जा रहा है, गांव के सभी युवाओं को खेल प्रतियोगिता से जोड़ा जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनवाया जा रहा है, ताकि सभी लोग खेल से जुड़ें और स्वस्थ रहें और उत्तर प्रदेश के बच्चे पूरे भारत में नाम रोशन करें। इस अवसर पर धीरज सिंह हरीश, भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह आगू, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान चंद्र विजय सिंह, उप क्रीड़ा अधिकारी नफीस अहमद, प्रवीण कुमार, विजय लक्ष्मी सिंह, रजनीश चंद्र, अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, आपने हमें समय दिया है, मैं आपका खेल विभाग और अपने सारे खिलाड़ियों और सारे अंतर्राष्ट्रीय और पहलवानों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसा ओकेजन होता है कि जब खिलाड़ियों को एक पूरा अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलता है महोत्सव के अंदर, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से मैं अनुरोध कर स्वागत करें कि खिलाड़ियों के बीच हमेशा आते हैं युवा हैं और एक माननीय विधायक जी के लिए खिलाड़ियों को संवर्धन करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ, कितना बड़ा देश है और समझ लीजिए करें श्री शत्रुघ्न राय साहब का श्री विजय बहादुर पहलवान जो राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ धर्मवीर जी से कि आपका भी स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारे पहलवान मिश्रा जी, उनका भी स्वागत करें और अभिनंदन करें बैच लगाकर आपका। और श्री नंदू मिश्रा जी के सुपुत्र हमारे बीच उपस्थित है, मैं अनुरोध करूंगा राजा सिंह जी से उनका माल्यार्पण स्वागत है महोत्सव में। और इस सात नंबर है बाबू, ए बाबू और वहाँ मिले ना तो फट
गोरखपुर महोत्सव को खेल से जोड़ा जा रहा है, पूज्य महाराज जी के द्वारा कि जो हमारे टैलेंट गांव-गांव में जो टैलेंट है वो उभर कर उनकी प्रतिभा निखरे और उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में बच्चे अपना नाम करें, इसके तहत खेल प्रतियोगिताओं से जोड़ा जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के द्वारा विश्वविद्यालयों के द्वारा पहला बार मेरठ में खेल विश्वविद्यालय महाराज जी के द्वारा बनवाया जा रहा है कि जो हमारे गांव-गांव जो जो प्रतिभा है, जैसे हमारे गांव में ओपन जिम बनाने का प्रक्रिया चल रही है कि गांव की प्रतिभा ऊपर आए, हमारे ब्लॉक स्तर पे भी जंगल कौड़िया में मिनी स्टेडियम बन के तैयार हो गया है, सहजनवा में मिनी स्टेडियम बनना शुरू हो गया कि जो हमारी प्रतिभाएँ हैं हर लोग खेल से जुड़े और स्वस्थ रहें और उत्तर प्रदेश सहित यही बच्चे इसी प्लेटफार्म पे आगे काम करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में अपना नाम करेंगे। खेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि पूरे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और जो खेल की प्रतिभा है उनकी उभर कर ऊपर आए और पूरे देश में अपना नाम करें। आज खेल महोत्सव का आयोजन है और इसका आज इसमें हमारे आज उद्घाटन सत्र में आज फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और कुश्ती और जिम्नास्टिक खेलों का आज आरंभ किए गए हैं। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स जो हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम्स इसमें भाग ले रही हैं। लगभग हज़ारों की संख्या में बच्चे प्रतिभाग करने की एंट्रीज हमारे पास प्राप्त हुई हैं और उसमें ये आयोजन जो है 12 तारीख तक चलेगा और सभी विजेता खिलाड़ियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनको सभी को पुरस्कार दिया जाएगा, सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जो गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति की ओर से उन्हीं इन सबको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं और इसमें ये जितने भी खेल आयोजन होंगे इसमें सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, स्कूली बच्चे भी भाग लेंगे? सब ओपन, ये ओपन होता है, इसमें कोई भी भाग ले सकता है, इसमें कोई आयु की या ऐसी कोई क्लब की बाउंडेशन नहीं होती, जो चाहता है वो आन के भाग लेता है। इसी का यही ग्रेस है कि इसमें सिलेक्ट नहीं है बल्कि बिल्कुल ओपन प्रतियोगिता है, कोई भी आए और इसमें भाग ले सकता है। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगर निगम के द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी लोग अपने वाहनों को सड़कों पर ही खड़ा कर रहे हैं, जबकि लगातार ITMS के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि अपने वाहन को मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करें, नहीं तो वाहनों का चालान किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों का चालान कर रही है और कुछ वाहनों को सीज भी कर रही है।
जिसके संबंध में सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण गोलघर में हुआ है। आईटीएमएस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं दुकानदारों को बताया जाता है कि उनके यहां जो भी ग्राहक आते हैं, जिनकी गाड़ियां रोड पर खड़ी होती हैं, उसको वहां पर ना खड़ा करें और उनकी गाड़ियों को मल्टी लेवल पार्किंग में निर्धारित शुल्क जमा करके वहीं पार्क करवाएं। आगे उन्होंने बताया कि आम नागरिक और दुकानदारों को समझाए जाने पर भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है जो काली मंदिर से होकर कचहरी चौराहे तक 2 से 4 बजे के बीच चलाया गया। वहीं अभियान के दौरान 192 वाहनों को चालान एमबी एक्ट के तहत किया गया और 54 वाहनों को लाकर यार्ड में खड़ा करवाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान अभी आगे भी चलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, कैपेसिटी 500 के लगभग में कार और 550 के लगभग मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा हो सकता है। इस समय कुछ गाड़ियाँ बढ़ी हैं? हाँ, इस समय गाड़ियाँ बढ़ी हैं, जनवरी से बढ़ी हैं। कितनी गाड़ियों की संख्या हो गई है? गाड़ियों की लगभग 200 रोज का गाड़ी मोटरसाइकिल आ रही है और कार आ रहा है 120-110 के हिसाब में। सर मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ, उसके बाद भी सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सर, ऐसा? मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण जो है गोलघर में हुआ है और आईटीएमएस के माध्यम से लगातार इस बात का प्रसारण किया जा रहा है कि सभी व्यापारी बंधु दुकानदार जितने गोलघर के हैं, उनके यहाँ जो भी ग्राहक आते हैं या उनकी स्वयं की जो गाड़ियाँ दुकान के बाहर रोड पर खड़ी होती हैं अनाधिकृत रूप से, उनको वहाँ पर न खड़ी करें और मल्टी लेवल पार्किंग में ही उचित शुल्क जमा करके गाड़ियों की पार्किंग करें। किंतु इसके बावजूद भी आम जनता द्वारा भी और दुकानदारों द्वारा भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे बाध्य होकर ये अभियान जो है काली मंदिर से लेकर और कचहरी तक चौराहे तक 2 से 4 बजे के मध्य जो है चलाया गया, जिसके तहत जो है 192 वाहनों का चालान एमबी एक्ट के अंतर्गत किया गया तथा कुल 54 वाहनों को लाकर। महानगर में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा 14 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में मुख्य अभियंता संजय चौहान ने बताया कि शहर में 14 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें से 13 अस्थाई और 1 अस्थाई है। सभी रैन बसेरों में बिस्तर, तकिया, चादर, गद्दे, अलाव, शुद्ध पेयजल, मच्छर भगाने की अगरबत्ती, सभी मूल सुविधाएं हैं। जो अस्थाई रैन बसेरे हैं उसमें किचन की भी सुविधा है। हमारी तरफ से यह सुविधा दिया गया है, यदि कोई चाहे तो उसमें खाना भी बना सकता है। वहीं 2 रैन बसेरे में थाली की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं सभी रैन बसेरों में अलाव की भी व्यवस्था है।
रजाई गद्दे की सुविधाओं के साथ साथ नगर निगम की टीम निकल के यह देखती है कि कोई भी खुले में न सोए और किसी भी प्रकार की ठंड में किसी को समस्या ना हो। यदि कोई बाहर खुले में सोता हुआ पाया जाता है तो नगर निगम की टीम उनको सम्मानपूर्वक रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था करती है। उन्होंने बताया कि यदि कोई समस्या है तो नगर निगम का टोल फ्री नंबर 1533 है, इस पर कॉल कर सकते हैं या नगर निगम के किसी भी अधिकारी को कॉल करके बता सकते हैं, जिससे हमारी टीम तत्काल उनके पास पहुंच सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने कहा। रैन बसेरा में ठंडी से बचाव के लिए नागरिकों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए, यहाँ ठंड से बचने के लिए साफ सुथरा बिस्तर है, रजाई है, तकिया है, नहाने धोने के लिए गर्म ठंडा पानी है और बाहर अलाव जल रही है, ये सारे व्यवस्था है। बाकी फर्स्ट एड बॉक्स है, दवाइयाँ हैं, पीने के लिए एरो वाटर है, मच्छरों के लिए ऑल आउट लिक्विड चलाते हैं, बॉयल भी रहता है, ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। रहने के लिए कितने कमरे हैं और कितने लोगों की क्वांटिटी है? देखिए, 10 बेड है पुरुषों के लिए और 9 है महिलाओं के लिए। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने 14 रैन बसेरे बनाए हैं, जिसमें एक अस्थायी है और 13 स्थायी है। उन सभी रैन बसेरों में बिस्तर, तकिया, चादर, गद्दे, अलाव, स्वच्छ पेयजल, मच्छर भगाने की कॉइल और सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। उसमें जो स्थायी रैन बसेरे हैं उनमें किचन की सुविधा भी है, उसमें फ्यूल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, अगर कोई चाहे तो अपना खाना भी बना सकता है। एक दो रैन बसेरे में थाली की सुविधा भी है, एक रैन बसेरे में एक या दो में शायद। तो मैं मतलब सभी सुविधाएं हैं ठंड से बचाव का, उसमें सभी अलाव भी जलता है उन्हीं रैन बसेरे में और स्वच्छ पेयजल है, रजाई, गद्दे, सब मतलब सभी सुविधाएं हैं उसमें कोई। और ये भी हम देखते हैं कि सड़क पे कोई खुले में ना सोए, रात में हमारी टीम निकलती है और ये देखती है कि भाई कोई खुले में सो रहा है तो उसको सम्मान सहित गाड़ी में बैठा के आप पास के रैन बसेरे में सुलाया जाता है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील है कि सब देखें, अगर कोई, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर ऐसी सर्दी में कोई खुले में सोता दिखाई दे तो उनको आसपास के रैन बसेरे के बारे में बताएं, उनको बताएं कि वहाँ रैन बसेरा, वो वहाँ जा सकते हैं, अन्यथा नगर निगम का टोल फ्री नंबर 1533 है, या नगर निगम किसी भी अधिकारी को कॉल कर दें तो हम अपनी टीम भेज देंगे और वो उनको सह सम्मान पास के रैन बसेरे में ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के पहले दिन 14 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर लिया पर्चा। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 30 जनवरी को होगा मतदान, 2 फरवरी को होगी मतगणना। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त 10,000 रुपए के इनामी राज यादव को बड़हलगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए 5 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रदेश में चलने वाले सड़क सुरक्षा माह का सजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने शुभारंभ कर सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सभी का जीवन है महत्वपूर्ण, अपने जीवन को न डालें खतरे में, करें यातायात नियमों का पालन।
अप्रैल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले जल क्रीड़ा नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। 500 खिलाड़ियों करेंगे प्रतिभाग, खिलाड़ियों के रुकने खाने पीने की रहेगी पूरी व्यवस्था। ठंड को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने भी कसी कमर, यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में रुकने की व्यवस्था। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, सभी यात्री वेटिंग हॉल का करें उपयोग। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में मानचित समाधान दिवस का किया गया आयोजन। सालों से फंसे मानचित की सुनवाई, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के नामांकन स्थल के सुरक्षा के दृष्टिगत सिविल पुलिस व पीएसी की लगाई गई है ड्यूटी। नामांकन करने या पर्चा लेने आने वाले प्रत्याशियों को चेक करने के बाद ही भेजा जा रहा है अंदर। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, पूरे जिले के हजारों की संख्या में खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, 12 जनवरी को विजेता खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत। गोलघर मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों के पार्किंग के लिए लगातार ITMS के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक, फिर भी लोग अपने वाहनों को खड़ा कर रहे हैं सड़कों पर। सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, अभियान चलाकर 192 वाहनों को MB एक्ट के तहत किया गया चालान और 54 वाहनों को किया गया सीज, आगे भी चलता रहेगा अभियान। और महानगर में जरूरतमंद को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा 14 रैन बसेरों की गई व्यवस्था। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय चौहान ने कहा, यदि कोई समस्या है तो नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1533 पर कर सकते हैं कॉल, तत्काल उनकी समस्या का होगा समाधान। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।